हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 147 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम वायुमंडलीय परतों के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सभी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल या फिर एटमोस्फियर, तो जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर गिरे हुए हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल कहते हैं कि जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ गिरे हुए हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी वायु, ठोस और जल, यानी कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल से मिलकर बनी हुई है। इसी के अलावा जो वायुमंडल की ऊपरी परत होती है, इसके अध्ययन को कहते हैं वायु विज्ञान या फिर एयरोलॉजी। तो एयरोलॉजी कहते हैं वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन को। इसी के अलावा जो वायुमंडल की निचली परत होती है, उसके अध्ययन को कहते हैं ऋतु विज्ञान या फिर मेटियोरोलॉजी। तो मेटियोरोलॉजी कहते हैं वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को, जबकि जो एयरोलॉजी है यह कहते हैं वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को। नेक्स्ट, अपने जो वायुमंडल है इसका संगठन, तो जो वायुमंडल है यह किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो वायुमंडल मिलकर बना हुआ है गैस से, जलवाष्प और धूलकण। तो जो वायुमंडल है यह गैस, जलवाष्प और धूलकण से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल पाए जाते हैं और जो ये वायुमंडल है इसमें पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस। तो जो नाइट्रोजन गैस है यह पाई जाती है 78%। इसी के अलावा सेकेंड नंबर पे आती है अपने ऑक्सीजन, जो पाई जाती है 21%, और थर्ड नंबर पे होती है आर्गन। तो जो आर्गन है यह पाई जाती है 0.93%, और फोर्थ नंबर पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह पाई जाती है 0.03%। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, जो पाई जाती है 78%। और जो यह नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इसी के अलावा यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ना हो तो जो आग होती है उस पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो नाइट्रोजन गैस के कारण ही आग पर नियंत्रण करना आसान रहता है। इसी के अलावा जो नाइट्रोजन गैस है यह पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन के कारण ही पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। सेकेंड अपती होती है ऑक्सीजन गैस, जो पाई जाती है 21%। थर्ड नंबर पे होती है आर्गन गैस, जो 0.93% पाई जाती है, और फोर्थ नंबर पे पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पाई जाती है वायुमंडल में 0.03%। नेक्स्ट है जो वायुमंडल की परतें हैं, तो वायुमंडल जो है यह पांच परतों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो पहली परत होती है वह कहलाती है शोभ मंडल, या फिर इसको कहा जाता है संवहन मंडल या फिर अधोमंडल। तो संवहन मंडल या फिर अधोमंडल कहा जाता है शोभ मंडल को, और शोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। सेकेंड नंबर पे होती है अपने पास में समताप मंडल, और जो समताप मंडल है इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है समताप मंडल को। थर्ड वायुमंडल की परत होती है मध्य मंडल, जिसको कहा जाता है मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर कहा जाता है मध्य मंडल को। फोर्थ नंबर होती है अपने आयन मंडल, तो जो आयन मंडल है इसे कहा जाता है आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर कहा जाता है आयन मंडल को। और फिफ्थ नंबर पे होती है अपने बहिर्मंडल, तो जो बहिर्मंडल है इसको कहा जाता है एग्जोस्फीयर। तो एग्जोस्फीयर कहा जाता है बहिर्मंडल को। तो यह है वायुमंडल की पांच परतें, जो है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो वायुमंडल जो है यह टोटल पांच परतों से मिलकर बना हुआ है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एग्जोस्फीयर। इसी के अलावा जो शोभ मंडल है यह वायुमंडल का लगभग 85% भाग है। तो जो ये पांच परतें हैं इनमें से जो शोभ मंडल है यह पूरे वायुमंडल का लगभग 85% भाग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडलीय परतों के बारे में। यह हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास में जो सबसे पहली परत पाई जाती है वह होती है शोभ मंडल, या फिर इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है। और जो शोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फीयर जो है इसकी ध्रुवों पर तो हाइट होती है लगभग 8 किलोमीटर, लेकिन जो विषुवत रेखा है वहां पर इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर। तो शोभ मंडल के ध्रुवों पर हाइट तो होती है 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर। और जो शोभ मंडल है, तो शोभ मंडल में होती है वायुमंडलीय घटनाएं। तो जो वायुमंडलीय घटनाएं यह होती है शोभ मंडल में, यानी कि जैसे बादल गरजना हो गया, आंधी तूफान हो गया,
ग्रीन हाउस प्रभाव, बारिश वगैरह आना, तो ये सारी वायुमंडलीय जो घटनाएं, यह होती है सौर मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर में। इससे के अलावा जो सौर मंडल है यहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा घनत्व। तो वायुमंडल की जो जितनी भी परत है उनमें सबसे ज्यादा जो घनत्व पाया जाता है वह पाया जाता है सौर मंडल में। पृथ्वी की सतह से यदि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। तो तापमान में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, या फिर 1 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है उसमें 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। इसी के अलावा जो सौर मंडल है तो सौर मंडल में संवहन धाराएं चलती है, इसीलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकेंड परत है वह होती है अपने समताप मंडल, या फिर इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर या फिर जो समताप मंडल है यह पृथ्वी की सेकेंड परत है जो पाई जाती है लगभग 50 किलोमीटर की हाइट पर। और जो समताप मंडल है तो इसमें ताप जो है वह समान रहता है और यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती, यानी कि जो बादल गरजना वगैरह आंधी तूफान है वह घटनाएं जो है यह समताप मंडल में नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे जो है एरोप्लेन उड़ते हैं, तो जो एरोप्लेन वगैरह है यह उड़ते हैं समताप मंडल में। और जो समताप मंडल है इसके ऊपरी जो परत होती है वहां पे पाई जाती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में, और जहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है उसे कहा जाता है ओजोन मंडल। और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है सीएफसी, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है, उससे जो अपनी ओजोन लेयर है उसको क्षति पहुंचती है। और जो ओजोन परत है इसकी जो मोटाई है उसको नापने के लिए डॉप्सन निकाय का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन लेयर की जो मोटाई है इसको मापने के लिए डॉप्सन निकाय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आती है अपने पास में मध्यमंडल या फिर मीजोस्फीयर, जो पाई जाती है पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक। और यहाँ पे जो उल्का पिंड है वो यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं, यानी जो उल्का पिंड होते हैं वह मध्यमंडल में आने के बाद में खत्म हो जाते हैं। वायुमंडल का जो न्यूनतम तापमान है वह भी पाया जाता है मध्यमंडल में। और जो मध्यमंडल की ऊपरी सीमा है उसके बाद से टेम्परेचर में पुनः वृद्धि होने लगती है। तो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान पाया जाता है मध्यमंडल में, और इसकी ऊपरी सीमा के बाद में जो टेम्परेचर है उसमें पुनः वृद्धि होने लगती है। मध्यमंडल के बाद में आता है अपने पास में आयन मंडल, या फिर जिसे कहा जाता है आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर या फिर जो आयनोस्फीयर है यह कहा जाता है आयन मंडल को, और यह होता है लगभग 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की हाइट तक। और जो आयन मंडल है तो आयन मंडल में जो रेडियो तरंगे वो यहीं से परावर्तित होती है। तो रेडियो तरंगे जो है यह आयन मंडल से ही परावर्तित होती है। और आयन मंडल में जो सैटेलाइट वगैरह या फिर जो संचार के उपग्रह वह पाए जाते हैं अपने आयन मंडल में। तो आयन मंडल में पाए जाते हैं सैटेलाइट, और जो संचार के उपग्रह वह पाए जाते हैं आयन मंडल में। और जो आयन मंडल है जिसमें जो रेडियो तरंगे ये यहाँ से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पे आती है, तो जो ये परावर्तित होती है यह होती है चार लेयरों में, जो होती है अपने डी, ई, एफ और जी लेयर। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट आती है अपने पास में बाह्य मंडल या फिर एग्जोस्फीयर। तो जो एग्जोस्फीयर या फिर जो बाह्य मंडल है यह पाया जाता है 640 किलोमीटर से ऊपर। तो 640 किलोमीटर से ऊपर की जो हाइट है वहां पे पाया जाता है बाह्य मंडल या फिर एग्जोस्फीयर। और इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। तो वायुमंडल का जो सीमांत क्षेत्र है वह कहा जाता है बाह्य मंडल या फिर एग्जोस्फीयर को। और इसी मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। तो हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है बाह्य मंडल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आयन मंडल है या फिर जो थर्मोस्फीयर है इससे रेडियो तरंगे जो है वो यहाँ से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी की सतह पे लौटती है। तो ये रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पुनः धरती पे लौटती है। तो ये चार परतों से परावर्तित होती है, जिसमें पहली अपने डी लेयर, तो डी लेयर से होती है दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। नेक्स्ट होती है अपने ई लेयर, ई लेयर से मध्यम रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। और जो एफ लेयर होती है तो एफ लेयर से होती है लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन। और सबसे लास्ट में आती है जी लेयर, तो जी लेयर से जो निम्न, मध्यम और दीर्घ यानी सभी आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे यह परावर्तित होती है। यानी कि पृथ्वी से कोई तरंग वगैरह जाती है तो वह आयन मंडल में उपस्थित जो डी, ई, एफ और जी लेयर है यहां से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी के धरातल पर लौट आती है। और जो ये पृथ्वी के धरातल पर लौट आती है तो यह आती है चार लेयर से,
यानी जो डी लेयर है उससे दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। मध्यम रेडियो तरंगे होती है ई लेयर से, लघु रेडियो तरंगे होती है एफ लेयर से, और निम्न या फिर जो मध्यम या फिर दीर्घ सभी आवर्ती की रेडियो तरंगे जो है यह परावर्तित होती है जी लेयर से। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो जो मेघ गर्जन है यह वायुमंडल के सौभ मंडल में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सौभ मंडल। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का जो ओजोन मंडल है यह रसायन मंडल का एक भाग है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? तो जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक जो ओजोन है वह केंद्रित है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर वायुमंडलीय परत है वह है बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा बहिर्मंडल या फिर एग्जोस्फीयर। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे यह पृथ्वी के जो आयन मंडल है यहां से परावर्तित होती है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में उपस्थित रहते हैं? तो जो संचार के उपग्रह यह स्थित रहते हैं आयन मंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? तो वायुमंडल की जो सौभ मंडल परत है इसमें जो टोटल जलवाष्प है उसकी कुल मात्रा का 90% भाग जो है वह विद्यमान है सौभ मंडल में। हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? तो जो हवाई जहाज है यह उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है यह कहलाती है सौभ मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा सौभ मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है सौभ मंडल को। तो इसका राइट आंसर होगा सौभ मंडल। और जो सौभ मंडल है इसे कहा जाता है संवहन मंडल या फिर अधो मंडल। तो संवहन मंडल या फिर अधो मंडल कहा जाता है सौभ मंडल को। किस गैस की उपस्थिति के कारण वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है? तो वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का जो आभास है यह होता है नाइट्रोजन गैस के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। कौन सी गैस जलाने में सहायक है? तो जलाने में सहायक है ऑक्सीजन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। सौभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि कब होती है? तो सौभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो गैसें वगैरह है वह फैल जाती है, इसी वजह से सौभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। सौभ मंडल पर भूमध्य रेखा की ऊंचाई कितनी होती है? तो सौभ मंडल पर भूमध्य रेखा की ऊंचाई होती है लगभग 18 किलोमीटर। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन सी परत करती है? तो पराबैंगनी किरणों से जो रक्षा है यह करती है समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में जो सर्वाधिक तत्व है यह पाया जाता है हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम। जबकि जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वह है हाइड्रोजन, लेकिन जो सेकेंड नंबर है तो सेकेंड नंबर पे पाया जाता है हीलियम। किस मंडल में डी ई व एफ परतें पाई जाती है? तो जो डी ई व एफ परतें यह पाई जाती है आयन मंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। आग पर नियंत्रण में सहायक गैस कौन सी है? तो आग पर नियंत्रण में सहायक गैस है नाइट्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। वायुमंडल की किस परत में धूल कण एवं जलवाष्प मिलते हैं? तो वायुमंडल की जो सौभ मंडल परत है इसमें पाए जाते हैं धूल कण तथा जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा पाई जाती है लगभग 2%। हीलियम गैस की प्रधानता किस मंडल में रहती है? तो जो हीलियम गैस है इसकी प्रधानता बहिर्मंडल में अधिक रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा बाह्य मंडल। वायुमंडल की सर्वाधिक विस्तृत परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो बाह्य मंडल है या फिर जो एग्जोस्फीयर है यह सबसे विस्तृत परत है। तो इसका राइट आंसर होगा बाह्य मंडल। वायुमंडल में कौन सा कारक एक कंबल की तरह काम करता है? तो वायुमंडल में जो जल वाष्प है यह एक कंबल की तरह कार्य करता है।
इसका राइट आंसर होगा जल वाष्प। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होती है? तो पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होती है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, जो पाई जाती है 78%, और सेकेंड होती है अपने ऑक्सीजन, जो पाई जाती है 21%। ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है, तो जो ध्रुवीय ज्योति है यह आयन मंडल में दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो जो मेघ गर्जन है यह वायुमंडल के सौभ मंडल में होता है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो जो वायुमंडल है यह मुख्य रूप से गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, तो पृथ्वी से विकिरण के द्वारा गर्म होता है वायुमंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन से गैस मिलती है? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक है यह पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो जो सूर्य की तीव्र किरणें इनसे झुलसने से वायुमंडल की जो ओजोन गैस है यह हमारी रक्षा करती है। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो जो एफ परत है यहां से रेडियो की लघु तरंगे परावर्तित होकर पुनः धरातल पर आती है। सामान्य वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है? तो जो सामान्य वायुदाब है यह पाया जाता है सागर तल पर, तो समुद्र तल पर पाया जाता है सामान्य वायुदाब। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है, यानी कि जो वायु ठंडी तथा शुष्क होती है उस टाइम पे जो वायुदाब है यह सर्वाधिक होता है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जल वाष्प, तो इसका राइट आंसर होगा जल वाष्प। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है यह होता है सौभ मंडल में, तो इसका राइट आंसर होगा सौभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब जो है यह होता है 1013.25 मिलीबार, तो 1013.25 मिलीबार होता है समुद्र तल पर औसत वायुदाब। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व होता है सौभ मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो जो ओजोन परत है यह पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की हाइट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा 50 किलोमीटर। ओजोन छिद्र किसके कारण होता है? तो जो ओजोन छिद्र है यह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो जो थर्मोस्फीयर है यह वातावरण की सबसे गर्म परत है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्मोस्फीयर, या फिर जो आयन मंडल है यह वातावरण की सबसे गर्म परत है। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाई जाती है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। तो ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर ओजोन होती है इसमें जो मुख्य घटक है यह क्या होता है? तो इसमें मुख्य घटक होता है धुआं, यानी कि जो स्मॉग है यह पाया जाता है जमीनी स्तर पर, जो ओजोन होती है उसमें मुख्य घटक पाया जाता है स्मॉग। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है यह विकसित किया था प्रोफेसर जी एम बी डॉब्सन ने, तो प्रोफेसर जी एम बी डॉब्सन ने विकसित किया था। और जो डॉब्सन है यह ओजोन परत की मोटाई को नापने की इकाई है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो जो एक्स किरण है यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्स किरणें। तो यह था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब